आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है आपके मुंह की वजह से, कि जो आप मांगते हो परमेश्वर से, जो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर तो देना चाहता है लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है मांगने का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने तरीके को बदल सकते हैं, किस तरह से आपको अपने तरीके को बदलना भी चाहिए, क्योंकि आपका तरीका इस वीडियो और इस वचन के साथ आप जरा एक बार अपने आप को जांच लेना कि क्या आपका तरीका ऐसा ही है परमेश्वर से मांगने का। अगर नहीं है तो आप अपने तरीके को जरूर बदलें, क्योंकि आप जब तक उस तरीके में पड़े रहेंगे तब तक परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता। उसने अपने एक रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं बाइबल के हिसाब से, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आप जब कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देता, क्यों परमेश्वर सुन करके भी उसको अनसुना कर देता है। आपको एक मैं वचन के साथ बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आप किस तरह मांगते हैं। अगर आपको सपोज करिए कि अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो आप परमेश्वर से किस तरह मांगेंगे। आप ये बोलेंगे कि हे प्रभु, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे कृपया करके मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस कीजिए। आपने इस तरह से प्रार्थना करी है, हमेशा ही आप लोग इसी तरह से प्रार्थना करते हैं। और लेकिन इस चीज़ में दिक्कत कहाँ है कि आपने सबसे पहले ही बोल दिया कि हे प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रार्थना में हमेशा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो आप हमेशा पहले ही बोल देते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, और मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ, आपको वचन बताता हूँ मैं आपको। मत्ती 20 के 17 का 29वां अध्याय पढ़िएगा आप। उसके अंदर जो अंधे कोढ़ी थे, ठीक है, उनको परमेश्वर, जब प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत बड़ी भीड़ के साथ उनके सामने से जा रहे थे, तो उन अंधों ने क्या करा, उन अंधों ने परमेश्वर जब सुना कि हाँ प्रभु यीशु हमारे सामने से जा रहे हैं, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे सामने से जा रहा है, वो हमें ही इस प्रॉब्लम से, जो हम अंधे हैं इससे हमें निकाल सकता है, वो हमको चंगाई दे सकता है इस अंधेपन से, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आप उनके जैसा पुकार लिए परमेश्वर को, क्योंकि उनका पुकारना कुछ ऐसा था, हे दाऊद की संतान, हम चंगे होना चाहते हैं, हमें चंगाई चाहिए, हम ठीक होना चाहते हैं। लोगों ने, जो वहाँ के लोग खड़े थे, उन्होंने उनसे क्या बोला कि तुम्हारी वो नहीं सुनेगा, चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो। उन्होंने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझे चंगा, मुझे चंगा। और परमेश्वर जब उनके जब परमेश्वर कानों तक उनकी आवाज़ पहुँची तो प्रभु उनके पास गए, प्रभु ने उनको कहा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब इस जगह पे एक सोचने वाली बात और आ जाती है कि परमेश्वर ने उनसे क्यों कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि उनके पास आँखें नहीं है, वो जगत को उसने बनाया है, उसने हर एक इंसान को अपने हाथों से बनाया, उसने सबको उनकी माँ के गर्भ में रचा है। क्या वो नहीं जानता कि उनको क्या चाहिए, वो इतना बड़ा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था कि मैं उनके मुँह से सुनूँ, अंगीकार करें वो अपने मुँह से कि उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि हे दाऊद की संतान, हे मेरे परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला, ना कि उन्होंने ये बोला कि हे परमेश्वर मैं अंधा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को नहीं बोला। तो इस चीज़ को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर से जब आप कुछ मांगते हैं तो उसके लिए पहले मना ना कीजिए कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम अपने मुँह से निकालोगे वो मैं तुम्हारी भविष्यवाणी कर दूँगा, वो तुम्हारी भविष्यवाणी बन जाएगी। तो इसीलिए अपने मुँह से अपनी भविष्यवाणी पहले मत कीजिए, क्योंकि जो आप मुँह से बोलते हैं तो आप परमेश्वर के आगे पत्थर रख देते हैं। क्योंकि जब आपने परमेश्वर को पहले ही बोल दिया कि परमेश्वर मेरे पास गाड़ी नहीं है, परमेश्वर मेरे लोगों की किस्तें फंसी हुई हैं, परमेश्वर मैं क्या करूँ, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप बोल देते हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को था में कन्वर्ट करना है। था मतलब कि ये प्रॉब्लम्स थी परमेश्वर, लेकिन आज मैं इस चीज़ का अंगीकार करता हूँ खुदा, कि आज मैं तेरे सामने हूँ और मैं आज इस चीज़ को मानता हूँ कि खुदा जो मेरे से गलती हुई है
या जिस चीज़ के लिए मैं तुझसे अंगीकार कर रहा हूँ परमेश्वर, वो मुझे मिल जाएगा, और जो चीज़ जिस घटित कमी से मैं आज जूझ रहा हूँ परमेश्वर, तू जरूर मुझे उसके बाहर निकालेगा, और खुदा तेरे अलावा कोई मुझे उसके बाहर नहीं निकाल सकता। तो आपको अपने मुंह से एक तो अंगीकार करना है, और नेगेटिव जो आप पहले ही बोल करके परमेश्वर के आगे पत्थर रख देते उसको नहीं दोहराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको चंगाई चाहिए हो, अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, तब भी आपको ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर मुझे ये बीमारी है, मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे बीमारी थी लेकिन अब मैं तुझे जान गया और मुझे विश्वास है खुदा ये बीमारी जरूर चंगी हो जाएगी यीशु के नाम में और मैं चंगा हूँ। आप जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जब तुम कुछ मांगो तो उसे प्रतीत कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। तो आपको इस चीज़ को प्रतीत कर लेना है कि हाँ, परमेश्वर से मैंने जो मांगा वो मुझे मिल चुका है। अगर आप चंगाई मांग रहे हो तो आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने एक होता ना कि अपने सारी नसों के अंदर, अपने पूरे शरीर के, अपने पूरे ब्लड के अंदर ना इन सब चीज़ों को रख छोड़ना है। अगर आप ये करना सीख गए कि अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने दिल के अंदर जो आपने मांगा परमेश्वर से और वो आपने प्रतीत कर लिया कि ये मुझे मिल चुका है, तो दुनिया की कोई भी अधिकार की ताकत आपको उस चीज़ को लेने से या उस चीज़ को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। देखिए, वो आपके मुंह के अधिकार को सुनना बहुत पसंद करता है। आप नेगेटिव कभी ना बोलें। आपको जब भी कोई चंगाई चाहिए, जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको बेबी चाहिए, कई औरतों के मुंह से मैंने सुना है प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है 10 साल से। प्लीज़ आप ये मत बोलिए कि मेरे पास बच्चा नहीं है 10 साल से, आप ये बोलिए कि प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं था 10 साल से लेकिन अब मैं तुझे जान गई हूँ, अब मेरे पास बच्चा हो यीशु के नाम में। आपने अंगीकार करना है। जब आप अंगीकार करते हैं तो शैतान को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है और हमको ये चीज़ करनी चाहिए। शैतान जल उठता है जब हम अंगीकार करते हैं, क्योंकि शैतान देखता है कि इनका इतना बड़ा विश्वास कि इनको अभी तक जो चीज़ मिली भी नहीं है उसके लिए भी मान चुके हैं कि हाँ मेरे को मिल चुका है। तो हमको क्या करना है कि शैतान को हमको अपने पैरों के नीचे दबाना है। वह कब दबता है? जब हम अंगीकार करते हैं। अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे शब्दों को हमारे ही भविष्यवाणी बना देता है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब आप कुछ भी मांगे और कुछ भी आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगे कि नहीं, मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा, तो आप हमेशा इस वचन से अपने आप को एक बार ज़रूर जाँच लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बाइबल में चंगाइयाँ जिनके साथ भी परमेश्वर ने करी, उनका विश्वास बहुत बड़ा था। उन्होंने संदेह नहीं किया परमेश्वर पे, उन्होंने अपना विश्वास दिखाया। आपको अपना विश्वास दिखाना है। परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी लाइफ में हमारा परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखना कि उसने हमारे लिए जान दी है। क्या जब हम उससे कुछ मांगेंगे तो क्या वो नहीं देगा? हम उसकी संतान हैं। जब हम किसी तकलीफ में, घटी कमी, परेशानी में होंगे तो क्या वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि उसने बोला है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तुम अपना मुँह खोलो, मांगो, मुँह खोलो, मांगो, शैतान को हराओ और प्रतीत कर लो कि आज जो मैंने मांगा है वो मुझे परमेश्वर ने दे दिया है। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करना सीख गए और इस तरह से अपनी परिस्थितियों में हमेशा नेगेटिव वर्ड्स को निकाल करके सिर्फ पॉजिटिविटी से बोलना सीख गए, तो आपके लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने शैतान को हराना सीख लिया है। लोग नहीं जानते, अनजाने में लोगों से ये पाप हो जाता है कि वो लोग पहले ही अपनी चीज़ों को मना कर देते कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, हाँ आज मेरे पास घर नहीं है। अगर आपके पास घर नहीं है तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया परमेश्वर से कि मेरे पास परमिशन नहीं है। आपको ये बोलना है कि खुदा देख मेरे पास तो घर नहीं था, लेकिन आप आज के बाद, आज मैंने, उनको पता है कि आज मैंने तुझसे प्रार्थना करी है खुदा, आज के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं अपने घर में शिफ्ट होने वाला हूँ। ये विश्वास दिखाना है परमेश्वर को, आपको ये विश्वास दिखाना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा।
और मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारी लेकर के आता रहूँगा अपने चैनल पर। और आप मेरी वीडियोस को जरूर देखें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से मसीह विश्वासी हैं जो नवे हैं, जो लोग आज परमेश्वर को न्यू हैं, जो लोग अभी जानना शुरू कर रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर को, लेकिन उनकी लाइफ में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनका अंगीकार गलत है। ये आपने बड़े पास्टरों के मुँह से भी सुना होगा, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स हैं जो बोलते हैं कि अपने मुंह से नेगेटिव बोलना बंद करो, तुम पत्थर क्यों रखते हो परमेश्वर के आगे अपने मुंह से बोल करके। तुम परमेश्वर के आगे पत्थर कभी मत रखो। जब तुम्हारा विश्वास बड़ा होगा तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स भी बड़ी होंगी। जब तुम्हारा अंदर से एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ परमेश्वर, आज मैंने जो तुझसे मांगा है तूने मुझे दे दिया, तो उसके बाद उस वो चीज़ तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई शैतान नहीं रोक सकता। बस आपको अपनी प्रार्थना मजबूत करनी है, आपको अपनी लाइफ में मजबूत बनना। आपको आज समझ में आ गई है तो आपकी आशीषों को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आशीषें आपके दरवाजे तक आएंगी। परमेश्वर आपकी आशीषें लेकर के आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन आप अपने मुंह से गलत अंगीकार करके, गलत बोल करके, गलत तरीके से प्रार्थना करके आशीषों को ख़त्म कर देते हैं, परमेश्वर के आगे पत्थर रखते हैं। आपको आज मैंने जो चीज़ सिखाई है, आप इसको अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको याद भी ज़्यादा टाइम तक रहता है। अगर आप सुनेंगे तो दो दिन बाद, चार दिन बाद हो सकता है आप भूल जाएं। आपको अपनी आशीषों को पकड़ कर रखना है, क्योंकि प्रभु आशीषें देना चाहता है, लेकिन आप नहीं लेते अपने मुँह के गलत अंगीकार की वजह से। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएं, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर किसी से बात कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष।